हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो इससे पहले आपने टॉपिक किया था वो था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में कुछ भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। यहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसकी डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही है, आप कैपेसिटर बनाओ। यहाँ पर कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, हम एक प्लेट ये बना दी और दूसरी ये बना दी। एक प्लेट पर क्या होता है, बैटरी अटैच होती है, ठीक। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ रहा है समझ में, ठीक है। ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यहाँ पर ये क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है, समझ रहे हो इस बात को या नहीं, ठीक है। और बीच में यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले देखो इन दो प्लेट्स का जो एरिया है वो है ए, ठीक है। और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है इस तरीके से, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने बना दी इसमें, क्लियर। तो देखो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इसको हम बोल देते हैं ये अप्लाइड जो यहाँ पर बना कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो गया, ई नोट, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया है कि वहाँ पर क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। तो पोलराइजेशन जब होगी पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव के पेयर बनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, समझ रहे हो ये चीज़ें या नहीं। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, समझ रहे हो ये बात, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की, क्लियर। और जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब मोटाई जो है वो कितनी है, टी है, कितनी, टी थिकनेस हमने मान ली टी। और ये सब यहाँ भी लिखा है मैंने, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए, मतलब क्या, प्लेट एरिया है, प्लेट्स का जो एरिया वो ए है, इन दोनों की जो सेपरेशन है वो डी है, और जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो कितनी है, टी है। और ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, प्लेट्स इस तरीके से रखी हुई हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो है हमारे पास टी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो बस उसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही है ये, थोड़ा थोड़ा जैसे हमने अभी पिछला टॉपिक किया था, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हमें पता है, वी नो दैट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाय वी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसमें हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए वही है जैसे हमने पहले किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू बाय ए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि प्लेट्स हैं, प्लेट्स आपको बताया इस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो इनका एरिया ही होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है इनकी, ठीक है। तो क्यू बाय ए हो गया ये हमारे पास, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी, सिग्मा ए, इसको हमने सेकंड मान लिया, और पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा ए बाय वी। अब देखो यहाँ पर जो थोड़ा अलग होगा वो क्या होगा, कि ये जो वी है ये हमें अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वी में क्या होने वाला है, यहाँ दो वी होंगे, कैसे, देखो एक तो पोटेंशियल होगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से जिसको हम V1 मान लेंगे, और एक पोटेंशियल होगा ये जो एयर गैप है ये वाला इनमें, इसकी वजह से। अब ये पूरा नहीं ले सकते हम यहाँ से, यहाँ का पूरा D के लिए नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि बीच में ये इंट्रोड्यूस हो गया, तो जो जगह बची है फ्री स्पेस वाली वो ये बची है जिसको हम एयर गैप कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसमें हम V1 पोटेंशियल जो मानेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। और जो V2 होगा ये किसका होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप, ये जो एयर गैप ये वाले होंगे हमारे पास, ठीक है। बात समझ रहे हो या नहीं, अभी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। तो देखो अब हमें नेट जो पोटेंशियल निकालना है वो कैसे होगा, तो हम देखो यहाँ लिखेंगे नाउ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, वो होगा टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, इन दोनों का एडिशन। तो सबसे पहले हम V1 निकाल लेंगे, तो V1 किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो V के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन जो था वो क्या था, माइनस का डी वी बाय डी एक्स। और मैंने आपको बताया था माइनस नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस सिर्फ ये शो करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू में डी वी बाय डी एक्स, और मैं इसको अगर फुल लिखना चाहूँ, ये स्मॉल के लिए होता है dd जब हम लगाते हैं, तो मैं इसको v बाय एक्स भी लिख सकता हूँ, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, e इंटू में x, मतलब ये फॉर्मूला भी है v का, e मल्टीप्लाई में
डिस्टेंस, ठीक है। तो वी वन में देखो, अगर हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ई कितना है यहाँ पर, इसके वाला ई। तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइलेक्ट्रिक में वो कैसा बनता है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरफ जाता हुआ, और वो क्या होता है ई एम या ई पी हम लिखते हैं, ठीक है, मीडियम की वजह से या पोलराइजेशन की वजह से जो मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ई एम लिखा है और ये डायरेक्शन इधर होगी इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डिस्टेंस कितना है इसमें, डिस्टेंस देखो कितना है यहाँ पर, ये टी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, टी है, तो मैं यहाँ टी लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो ई एम की वैल्यू बताओ क्या होगी, देखो ई एम की वैल्यू जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी, ई एम की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, क्या होने वाली है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम। और अगर आपको याद हो इस एप्सिलॉन एम को मैं ऐसे लिखता था के एप्सिलॉन नॉट, तो ये के एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, आई समझ में, कैसे आई, ई एम एप्सिलॉन एम, सॉरी ये जो एप्सिलॉन एम है इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो के इजकल टू होता है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती है के एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू जो है के एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ पर पुट कर दी हमने, एप्सिलॉन एम में, तो ये आ गया ई एम इजकल टू में के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ई एम हमें पता है क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो वी वन कितना आ गया, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन मान सकते हैं, देखो कैसे, ये वाली जो इक्वेशन आई थी सी वाली, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और ये वाली मान लो फोर्थ, और इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आई है वी वन वाली, ठीक है। तो ये थी पोटेंशियल ड्यू टू द डायलैक्ट्रिक स्लैब। अब V2 भी निकालना है हमें, ठीक है, और नेट पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है इसलिए हमने यहाँ लिखा था ये। तो V2 की वैल्यू देखो, V2 किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू द एयर गैप। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है, ई नॉट, फ्री स्पेस के लिए ई नॉट है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये मैं डिस्टेंस डी ले सकता हूँ यहाँ पर पूरा, नहीं ले सकता, क्यों, सिर्फ एयर गैप की बात करनी है, इतना पार्ट ये वाला और ये वाला। तो ये कैसे पता चले ये कितना है और ये कितना है, तो ये पता कैसे चलेगा, d में से ये वाला t माइनस कर दो तो यही बचेगा दोनों साइड वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख भी सकता था एक लाइन यहाँ पर कि जो d माइनस t है ये क्या है मेरे पास, एयर गैप है, ठीक है। तो ये वाला d माइनस t मैं यहाँ पर लूँगा, समझ रहे हो, d माइनस t एयर गैप वाला यहाँ पर लूँगा, ठीक। यही चीज़ ध्यान में रखनी थी, कई बच्चे इसको d ले लेते हैं, ठीक है, तो नहीं, फ्री स्पेस में d पूरा नहीं ले सकते अब, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो गया, t वाली जितनी जगह ये इसने ऑक्यूपाई कर ली, तो बची तो यही है ना सिर्फ, तो कैसे निकलेगी d माइनस t करके। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखूँगा, d माइनस t। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब e नॉट आपको पता ही है, e नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें, तो ठीक है। तो e नॉट की जो वैल्यू है वो हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो v2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस t, समझ रहे हो ये बात या नहीं। ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन, बताओ कोई दिक्कत है इतने में, तो ठीक है। तो ये आ गया v1 और ये आ गया v2, अब इन दोनों को कहाँ पुट कर देंगे, फोर्थ में, तो टोटल v आ जाएगा, उस v को यहाँ थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब इसको करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं पुट फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन फोर्थ। देखो ये वाली फिफ्थ है और ये वाली सिक्स्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ को कहाँ पुट कर रहे हैं, फोर्थ में पुट कर रहे हैं। तो v की जो वैल्यू होगी वो देखते हैं क्या आएगी, देखो v की वैल्यू थी v1 प्लस v2, तो v1 है हमारे पास सिग्मा t अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट प्लस, और v2 है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और है ये d माइनस t, क्लियर है, ये आ गया अब हमारे पास, ठीक। तो अब देखो यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, इधर क्या बचा टी बाय के प्लस में, ये बचा इधर d माइनस टी, कोई दिक्कत, बताओ इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये d माइनस टी पहले ला रहा हूँ और t प्लस के इधर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना इसमें, और प्लस ये हो गया t बाय के, बस ये काम किया मैंने इसमें, क्लियर है। तो ये इक्वेशन मान लो आप सेवन्थ, बहुत सारी इक्वेशनें बना दी हमने, तो ठीक है, इस सेवन्थ को कहाँ पुट करना है अब हमें, देखो ये थर्ड इक्वेशन देखो सिग्मा ए बाई वी वाली थी, तो कैपेसिटेंस ही निकालना है हमें, तो वी की वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट
सेवन्थ इन थर्ड, तो सी की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो सिग्मा ए बाई वी, तो सिग्मा ए अपॉन में वी, वी कितना ये वाला, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, और ये वाला हो गया हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। अब देखो ये ए है ऊपर और ये नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आ गई कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ रहे हो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे आ गई है, ठीक है, बहुत ईजी है, क्या मुश्किल था क्या, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब इसके थोड़े स्पेशल केसेस कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस में देखो सबसे पहला जो है पॉइंट, इफ़ टी इक्वल टू डी हो जाए, टी इक्वल टू डी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, देखो टी इक्वल टू डी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये जो टी है ये डी के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब एयर गैप रहने ही वाला नहीं है, मतलब जितना ये कैपेसिटर है इसके बीच में पूरे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक आ जाएगी, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि थिकनेस ही डी के बराबर होगी, जितना उसका सेपरेशन है पूरी पूरी फिक्स हो जाएगी अंदर। तब देखते हैं कि क्या आने वाला है आंसर, तो देखो सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में हमने लिखा है टी इक्वल टू डी, ध्यान से देख लो टी इक्वल टू डी लिखा है, तो डी रहने देंगे माइनस, टी को डी पुट करना है तो डी प्लस, और ये भी डी बाय के यहाँ पर पुट कर दिया हमने, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो क्या ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये डी बाय के, ये डी, और क्या ये के ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसे के नहीं लिख सकते तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कि जब t इक्वल टू डी पूरा का पूरा ही डाइलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस है, मतलब कोई भी एयर गैप नहीं है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, c इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट d, और ये देखो ये सेम ही वैसा बन रहा है जो मैंने अभी सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था, ठीक है, उसमें जब हमने स्पेशल केस में किया था कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, तो यही फॉर्मूला आया था वहाँ पर, याद है, बताओ यही चीज़ आई थी, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि वहाँ तो ये था सी एम इज इक्वल टू में के सी, वो बात सही है, ये सी में मैंने एम नहीं लिखा क्योंकि ये सारा एम के लिए ही आ रहा है, मीडियम इंट्रोड्यूस के लिए ही आ रहा है, और अगर मैं इसको एम लिखूंगा यहाँ तो ए एप्सिलॉन नॉट डी क्या है, सिंपल सी है फ्री स्पेस वाला, तो वही आंसर आने वाला है। तो हमने ये यहाँ से देख लिया कि हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है, सी इज इक्वल टू में के ए एप्सिलॉन नॉट डी, बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्पेशल केस में चलते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि इफ़ टी इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ टी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, कि ये वाला टी ज़ीरो हो गया, ये वाला टी ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, कि डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है, जब थिकनेस ही नहीं है कुछ तो मतलब कुछ है नहीं, डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो ये सिंपल केस बनेगा। सिंपल केस में देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है, देखो अगर हम कह रहे हैं कि टी क्या हो रहा है जी, ज़ीरो हो रहा है, तो देखो क्या होने वाला है, देखो सी की वैल्यू में ये वाला फॉर्मूला था, तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखो डी रहने देंगे, ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो, ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, डी माइनस टी ज़ीरो है प्लस, और ये वाला टी भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो बाय के, ठीक है। अब देखो ज़ीरो बाय के क्या होने वाला है, ये बताओ ज़ीरो ही होने वाला है, कई बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी है, नहीं, इन्फिनिटी क्या होता है, जब नीचे ज़ीरो होती है, अगर ये के बाय ज़ीरो होता ना तो इन्फिनिटी होता, समथिंग अपॉन में ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर ज़ीरो अपॉन में समथिंग है तो वो क्या रहने वाला है, ज़ीरो ही रहने वाला है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। ये जो मैंने बताई है, समथिंग अपॉन में ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, बट ज़ीरो अपॉन में समथिंग इज़ ज़ीरो होता है, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी पूरी, तो बचेगा क्या यहाँ, सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और देख लो ये वैल्यू वही है जिसमें हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जो पिछला वीडियो था उसमें, तो सी की वैल्यू यही आई थी ए एप्सिलॉन नॉट डी, और वही चीज़ आ रही है, क्योंकि टी ज़ीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक है वो ली ही नहीं है, थिकनेस ज़ीरो है तो मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपको यहाँ से स्पेसिफाई हो रहा है कि ये जो हमने ड्राइव किया ये बिल्कुल सही है, हमारे दोनों केस करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ से वही बात दोबारा भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज। तो देख लो ये बिना प्लेट के है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी आ रहा है आंसर, और इसमें जब प्लेट इंट्रोड्यूस हुई थी तो के टाइम्स में आ रहा था, समझ रहे हो, तो ये पूरी वैल्यू के टाइम्स में, तो ये वही कहानी है जो पहले भी हमने डिस्कस करी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज, और कितने टाइम इंक्रीज होती है वो,
के टाइम्स इंक्रीज होती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये था आपके पास टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस भी किया करो इसको करने की, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।